मोनिका, आज का दिन की शुरुआत कुछ ऐसी हुई, सुनने से हुई। मुझे राहुल ने बहुत सुनाया। किस बात पे? अभी इसमें अभी पता चलेगा आगे कि किया को मैंने सुबह स्कूल भेजा। यहाँ पे ना बहुत हार्श सनलाइट होती है कि किया के साथ क्या मेरे साथ और शान के साथ भी ऐसी होती है, हमारे चीक्स रेड होकर स्वेलिंग हो जाती है और छोटी छोटी डॉट हो जाती है, जैसे घमोरियाँ होती है ना ऐसे फेस पे हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है यार, ऐसे तो इसको हो ही जाता है और ऐसा हो रहा है, फिर मैंने इसको सनस्क्रीन लगा के इसको अच्छे से वॉश करके और आइसिंग वगैरह करके भेज दिया इनके। अभी भी आगे कर्ज दिला रहे हैं कि अच्छा। तो स्कूल वालों को पता नहीं क्या लगा क्या नहीं, उन्होंने भेज दिया, उनको लगा हे फीवर हो रहा है। मैंने जाके समझाया भी, लेकिन चलो घर पे आ गई। लेकिन इस चीज पे इन्होंने मुझे इतना सुनाया, अब मैं आपकी नहीं सुनूंगा, मैं बच्चों का नहीं सुनूंगा। अरे कुछ होना भी तो चाहिए बच्चों को, मैं खुद क्यों ऐसे, अगर उसकी क्रिटिक ऐसे कुछ प्रॉब्लम होती तो मैं उसे क्यों भेजती। लेकिन ये जो फ्री का ज्ञान बांटते हैं ना, जो गुस्सा करते हैं, तो कुछ कुछ नहीं था, तुम्हें चिल मार रहा था किया को स्कूल भेज के। अच्छा क्या मेरा चिल मारने में रह जाए, ठीक है ना? लड़की परेशान करी घर में, चल निकल स्कूल को। जी जी नहीं, मैं नहीं जाना ऐसे, इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं कि इसकी छुट्टी कराई जाए। अच्छा। उसे खुद को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, स्कूल वालों को लगी इतनी बड़ी प्रॉब्लम, पता नहीं मोर कैसे स्कूल वाले, उनको लगा हे फीवर है। मैंने कहा कोई हे फीवर नहीं है, उसको कोई एलर्जी हुई है, अदरवाइज ऐसा कुछ स्नीजिंग कफिंग वगैरह नहीं। समझाती उसको क्यों ना स्कूल से, समझा के उनको, फिर किया को वापस क्लास में। मैंने इसको यही बोला, मैंने कहा वापस चले। हाँ। कहती नहीं वो बात को वो नहीं है, बात बस यही घर में पति को तो धमका के मैं चुप करा दूंगी। अच्छा। स्कूल वाले धमका के मुझे भगा देंगे बाहर, ठीक है लेकर अपने बाढ़ के लेके, मैं समझा रही है। नहीं जाना, आपने बहुत पैसे रिएक्ट करा था, पता नहीं मेरे बच्चों को क्यों भेजा आपने स्कूल, है मेरी बच्चे को क्यों भेजा। और क्या उठ गया, उसके सूजा हुआ है मुंह भाई, उसको ऐसे थोड़ी स्कूल भेजना चाहिए। देखो जाना दो दिन बाद, दो दिन क्या, कल कल लास्ट है, उसके बाद तो उसकी छुट्टियां है ही। घुमाना चाहिए ना घुमाना, घर में ही रखना फिर उसको। अच्छा आपको इतनी गर्मी लग रही है तो आपकी जंपर पहन के आए हो। आप बताओ जाना इतनी गर्मी में आप क्यों पहन के आई है भाई, आप असल में जो ओवर पहना है ना। हाँ। गर्मी लग रही है, मैं टी शर्ट है मुझे गर्मी लग रही है। मैं इतना कूल हूँ ना, मैं इतना कूल हूँ, ठंड लगा लगे तो मैंने अपनी ठंडक को रोका है जैकेट से। जाना प्लीज, पता नहीं क्यों यार तुम्हें क्या दिक्कत है, मैंने पहन ली तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम। नहीं नहीं नहीं, उतारनी पड़ेगी मुझे तो, बहुत प्रॉब्लम हो रही है ऊपर की, एक जैकेट उतारनी पड़ेगी। नहीं हम तो, मैं एक टी शर्ट है मुझे गर्मी लग रही है, नहीं मुझे आपको देख के घबराहट हो रही है, आप ऊपर की एक जैकेट उतारो, नीचे का जम्पर चलो फिर पहनने लग सकते हैं। नहीं नहीं जाना प्लीज, ऊपर की एक जैकेट उतारो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, जल्दी करो उतारो भाई, एम्बुलेंस कॉल करियो, सीधा हॉस्पिटल लेके जाएगी यहाँ से। आप मुझसे पूछते पापा की रिप्लाई देते हैं, आपने भी मुझसे क्या पूछा? पापा जा रहे हैं। तो पापा ने क्यों बोला? आप समझा नहीं सकते अपने पापा को कि मम्मा से बात कर रही हूँ? हाँ, पहले तो तेरी मम्मी समझाएगी मुझे, फिर तू समझाएगी छोटे से समझाएगी, मैं समझता ही सनबर्न हो गया, इसको स्वेलिंग हो गई, यहाँ की धूप बहुत बहुत हार्श होती है, इसलिए ये वाली कैप लेके घूम रही है। क्या पे तो इयर्स भी रेड हो रहे हैं, स्कूल तो भेज दिया धमका के सुबह। पता नहीं मम्मा क्या हुआ क्यों भेज दिया, मैंने क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कहती नहीं इचिंग भी नहीं हो रही थी इसको, बस इसका फेस देख के आ रही है स्वेलिंग हो रही है। आप चलो जाना, नहीं ऐसे तो क्या है, छोटी छोटी बात पे छुट्टी होती रहेगी, बच्चा स्कूल ही नहीं जा पाएगा, वो सीख ही नहीं पाएगा, यहाँ पे स्कूल इम्पोर्टेंट होता है। क्यों माउथ में डाला हुआ है आपने इसको यार, जब आपको इतनी ठंड लग रही थी एसी क्यों चलाया हुआ है, कितनी ज्यादा तेज एसी चला।
तुम्हें गर्मी लग रही है भाई, नहीं तुम्हें ज्यादा गर्मी लग रही है। क्या हो गया आपको? बैठे रहो आराम से। अरे पापा इंडिकेट दिखाएंगे देखो अभी चाचू को। सीरियस होके बोल रहा है यहाँ पे इंडिया गेट है, पता है तुझे? अभी देखना कैसे वाला इंडिया गेट है। अब तो नजर आ गया होगा भैया आपको, नहीं आया इंडिया गेट नजर आ गया? देख लिया मिस तो नहीं कर रहा पक्का? एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट। मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ यहाँ पे ऐसे कुछ फेंका हुआ। ये देखो वापस से बैक करेगी वो, ऐसे इतना अंदर घुस गया या फिर या तो ये कार निकाले। चलो थोड़ा बहुत ही हुआ है। आज का डे बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेश स्टार्ट हुआ है। ऑल दो ये हुआ कि आज किया को मैंने स्कूल भेजा था, किया को ना सन से रैशेज हो गए फेस पे और उस वजह से स्कूल से कॉल आया कि कहीं उसको हे फीवर तो नहीं है, वी आर जस्ट कंसर्न। तो मैंने कहा ठीक है मैं आके ले ही जाती हूँ। तो मैं उसको स्कूल से लेके आई और अब हम लोग आए हैं इंडियन स्टोर पे, इंडियन स्टोर पे शॉपिंग करने के लिए क्योंकि आज है राहुल का ऑफ। जिस दिन राहुल का ऑफ होता है उस दिन मेरी जो बची कुछी शॉपिंग लिस्ट होती है, क्योंकि जो इंडियन स्टोर है वो थोड़ा सा दूर हम लोग डिस्टेंस वाले स्टोर पर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो इस बहाने इनका भी घूमना फिरना हो जाता है। चलो नहीं ये लो बस हो गया, अब सन में ही चाहिए, जाओ आप। देखो देखो कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हो आप। नहीं मैंने हटाया है, कोई नहीं बंदा जा रही है। नहीं आप पैर लो वरना फिर आप बोलेंगे, ठीक है आप अंदर हो ना। एक दिन संभालने के लिए चाहिए। ये सबसे सही है, आपने ऐसे बनाने नहीं देखा कभी। इसकी सब्जी बनती है, वेजिटेबल बनती है। लू मैं, खाओ क्या आप? नहीं देख रहे हो कहाँ घूम रहे हैं ये, देख रहे हो पूरा स्टोर में ऐसे घूम रहे हैं जैसे पता नहीं क्या। सब मिलता है सब, और आप क्या समझ रहे हैं, सब मिलता है सब, बहुत बड़ा है। हाँ बड़े से लेके छोटे बर्तन सब मिलते हैं यहाँ पे। ये देखो मैं टी शर्ट में हूँ और ये देखो और ये हुडी भी पहनी हुई है, इतनी ठंड लग रही है, और ये भी देख लो। और मुझे देखना भैया तब से ट्राई कर रहे हैं कि घर पे कॉल करके दिखाऊं, देखो यहाँ सब कुछ मिलता है। कि मम्मी को दिखाऊंगा सब कुछ मिलता है कि अभी तो है। नो शानू क्यों 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 जाने कहाँ गए पापा? आज देखना क्रॉस करेंगे। गोद में आते ही रो रही है, बाय मैंने कह रही हूँ बाय। चलो मेरी गोद में चलो। गोद नहीं टिकना इसने, अभी उतर के भागने के लिए तैयार है। क्या बोला? चिढ़ रही हो? क्या बोला अभी आपने? कि लेडीज को ड्राइविंग करनी नहीं आती? ना। आपको छोड़ के दो अभी बाकी जो। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट ना मैं नहीं करते हैं, विमेन को बहुत कम होता है, बहुत कम। हाँ गलत न्यूज़ पढ़ी मैंने रिकॉर्ड। नहीं नहीं मैं आपको फैक्ट्स के साथ भेजूंगी अब ये चीज, क्योंकि जितनी केयरफुली की जितनी सेंसिटिव होकर गर्ल्स चलाती है ना तो कोई नहीं चलाता, गर्ल्स तो बस भगाए चले जाते हैं। सेंसिटिविटी की कई निशानियां मेरी गाड़ी पे है। जी नहीं जाना, मैंने तो कभी भी टच भी नहीं कर रही है कभी। हाँ बताओ फिर बताओ,
भी तो उतार के दिखा भी दूंगा। हाँ दिखाओ, क्या रुक जाओ बापरे, ऐसे कैसे बोल दिया, दिखाओ पीछे लाइट के ऊपर। हाँ नहीं, हाँ दिखाओ, चलो चलो दिखाओ, बस हाँ करके बोल देते हो बस, कि चलो कह भी दिया, मजाक भी हो गया, बोलते को मजाक हो गया, लेकिन आपने ऐसे स्टेटमेंट दी कैसे? बोलो आप बोलो। Can I please get 10 chicken nuggets? Yes, please. Sorry? Yes, please. Anything else today? Can I also get a chicken snack wrap? Crispy snack wrap? Yes, please. Anything else? That's it. Chips? No. That's it. Thank you. Easy. तो इंडियन स्टोर से आने के बाद हम लोगों ने लंच करा, कल की कड़ी थोड़ी बची हुई थी उसके साथ ही परांठे खाए थे, और अब उसके बाद मैंने आई मेकअप करा। बस ऐसे ही एक आइडिया आ रहा था तो मैंने सोचा चलो करके देखा जाए कि लगेगा कैसे, और मुझे लगा काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस अब मैं इसको क्लीन करके डिनर बनाने वाली हूँ। इन बिटवीन शान ने पूरा पूरा हाथ साफ करा है मेरे मेकअप पे, अब मैंने उसको बाहर कर दिया, नॉक कर रही है तभी से कि मेरे को आने दो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं सब कुछ उठा के रखूँ फिर जाए खाना बनाऊँ, क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। ऐसा कुछ भी करती हूँ तो मेरे बीच में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, जिसको मैं यूटिलाइज करना कहती हूँ, क्योंकि आज राहुल का ऑफ था तो मैंने कहा चलो ठीक है इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया जाए, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा राहुल संभाल लेते हैं तो फिर मैं इसी चीज़ें कर पाती हूँ। और ये आ गई है सामान देख के, अभी टूट पड़ेगी इस पे तो मैं जल्दी से इसको अब उठाना ही पड़ेगा मुझे, बस और कोई चॉइस नहीं है, फिर उसके बाद में खाना बनाने जाऊंगी। क्योंकि ये किया ने सफाई करी है, किया डेकोरेट करा है, तो अब किया को टेंशन है, किया खराब कर रही है, उसको प्ले ही नहीं करने दे रही। किया टॉयज प्ले करने के लिए होते, डेकोरेट करने के लिए थोड़ी ना होते हैं। ये देखना ये भी एक टैडी लग गया इसके साथ, कितना क्यूट टैडी है हमारा, ये हमारा क्यूटेस्ट टॉय है। कि आप प्लीज अब मत करना उसको, प्ले करने दो, टॉयज प्ले करने के लिए तो होते हैं। तो अब मैं और किया आए हैं वूलवर्थ, और किया मुझसे मेरे बचपन की बातें पूछती चल रही है, मैं उसे बचपन की बातें बताती चल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास किया स्टॉप मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ होती है, क्योंकि हमारे बच्चों में बहुत सारी कहानियाँ हुई हैं, हम लोग बड़ी जॉइंट फैमिली में रहते थे तो बहुत सारी बातें होती है, इसको सुनना अच्छा लगता है, मुझे बताना अच्छा लगता है, तो बस यही करता हूँ, वूलवर्थ जा रहे हैं। तो हमें ये था कि हमें पैदल आना है, तो हमने ये डिसाइड करा कि शान को पापा के पास छोड़ देते हैं और मैं और किया आते हैं, और मैं और किया ना ये टाइम बड़ा इन्जॉय करते हैं ना, वरना शान की टेक केयर करने में रह जाते हैं किया और मैं दोनों, तो इसलिए जब शान नहीं होती ना तो किया और मैं दोनों बहुत अच्छे से इन्जॉय करते हैं, मैंने हमारी वॉक हो जाएगी और किया और मैं अच्छे से टॉक भी कर लेंगे, इन्जॉय भी कर लेंगे। शानू का वूलवर्थ वाला बनाना मिस हो गया, ये लो खाओगे? ओके यहाँ पे चल रही है इनकी स्नैकिंग, देख रहे हो शेयर नहीं कर रही है, उसके आगे आगे बढ़ाई जा रही है, इसे तो सारे ईट कर ली। अच्छा वो तो छोटी सी अभी सारे ईट कर ही नहीं सकती है, सिर्फ आप ही को ऐसा लगता रहता है। देखो आपके आपके राज में अन्याय हो रहा है, और खा लेना और ले लेना। अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज पनीर भुजी, क्योंकि जिस दिन हम लोग इंडियन स्टोर जाते हैं ना पनीर की सब्जी उस दिन जरूर बनती है, ऑब्वियस सीजन की पनीर लेके आते हैं। तो ये बन गई है पनीर की भुजी, राहुल दोनों बच्चों को संभाल रहे हैं और मैं बना रही हूँ रोटी। That is it for the day. अच्छा ये ना मैं शान की और किया के क्लिप्स इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने फ्रिंजेस कराए थे और मेरे फेस पे रहते हैं ना मुझे बहुत इरिटेशन होती है, तो जब मैं बाहर जाती हूँ तब तो मैं उन्हें सेट कर लेती हूँ अच्छे लगते हैं मुझे, लेकिन अदरवाइज पूरे दिन अगर मेरी आंखों में आए या फॉरहेड पे आए ना तो मुझे इरिटेशन होती है, इसलिए मैं छोटी छोटी क्लिप्स लगा लेती हूँ फिर मैं कम्फर्टेबल रहती हूँ। सो दैट इज़ इट फॉर दी डे, आवाज़ तो आपको आई गई होगी कि कितना परेशान कर रहे राहुल को, तो इसलिए अब मेरे को जल्दी से इन्हें सुलाना है, इनका खाना पीना हो गया है, बाकी सबका मैंने बना के रख दिया है, इन्हें सुलाने के बाद मैं चुटमुट खाऊंगी क्योंकि मेरा फास्ट है,
तो मैं बस थोड़ी सी स्नैकिंग करूंगी, मखाने वगैरह खाऊंगी, लेकिन इन्हें सुलाने के बाद तभी फुर्सत मिलेगी, तभी थोड़ी सी राहत मिलेगी और बर्तन भी तभी करूंगी। अब बस जल्दी से जाके इन्हें सुलाने वाली हूँ। ये ब्लॉग मैं यहाँ पे ही एंड कर रही हूँ। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय। अभी तक तो रोने की आवाज़ आ रही थी, अब देख लो यहाँ चल रहा था इनके खाना पीना। लाइट चली है तुम्हारे फोन की? क्या जल्दी फिनिश करो।